सो अगर आप चोर बाजार की वीडियोस देखते हो या फिर चोर बाजार मार्केट आने वाले हो तो ये वाली वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चोर बाजार की रियलिटी क्या है। तो चोर बाजार की रियलिटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चोर बाजार को एक्सपोज करने वाला हूँ, क्योंकि हालांकि आपने जितनी वीडियोस देखी है यूट्यूब पर आपको दिखाया जाता है कि आईफोन मिलने वाला है आपको, सारे तरीके के सारे ब्रांड मिलने वाले हैं और सारे ही सीरीज के मिलने वाले हैं, ये सब आपको दिखाया जाता है। उसी के साथ और भी काफी कुछ दिखाया जाता है जो कि इसमें बताया जाता है कि भाई 500 में मिल रहा है, 1000 में मिल रहा है आईफोन जो है आपको, 500 से लेके 3000 में मिल रहा है आईफोन 14 मिल रहा है, ये सब आपको जितना पागल बनाया जाता है, क्योंकि भाई साहब ये सब जो किया जाता है ना वो व्यूज के लिए किया जाता है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियलिटी ऑफ चोर बाजार, तो इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो हे एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोहिल सैफी ब्लॉग। सो जैसे कि आपने इंट्रो देख लिया होगा, इस वाली वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं चोर बाजार को। तो फाइनली मैं चोर बाजार पहुंच चुका हूँ। चोर बाजार जो लगती है वो लगती है दिल्ली के जामा मस्जिद में, और एक जगह और लगती है जो कि उसके वीडियो में आपको कुछ टाइम में बताऊंगा उसकी रियलिटी। तो सबसे पहले हम जामा मस्जिद की रियलिटी दिखाने वाले हैं, जामा मस्जिद पर जो चोर बाजार लगती है उसकी रियलिटी हम दिखाने वाले हैं। तो फाइनली सबसे पहले मैंने विजिट कर लिया है चोर बाजार, उसी के पार्क में देखो मैं पार्क की साइड में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, एंड पीछे की साइड में देखो आप माहौल सुन सकते हो कि किस तरीके से चोर बाजार का माहौल है। अभी मैं जस्ट विजिट करके पूरा वीडियो शूट करके आ चुका हूँ। सो सबसे पहले आप सामने की साइड में देख सकते हो, सामने की साइड में हमें देखने को मिलती है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के सामने ही देखो यहाँ पर ये पूरी चोर बाजार मार्केट लगती है जो कि संडे को सुबह 5 बजे से लगना स्टार्ट हो जाती है। और देखो राइट में एक कट देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर भी काफी कुछ मिल रहा है, और यहाँ पर इतना क्राउड है ना कि अगर आप फोन लेने आ रहे हो ना तो आप फोन लेके तो नहीं जाओगे लेकिन फोन गवा के जरूर जाओगे, मतलब इतना क्राउड होता है। जैसे कि आप देख रहे हो सामने में पब्लिक जो है वो इस तरीके से पागल है, मतलब जैसे क्या फ्री में से होता है ना भंडारा बटरा हो उस तरीके से। भाई देखो सामने की आप देख सकते हो कितनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अगर आप चोर बाजार जा रहे हो तो आपको रियलिटी में क्या क्या मिलने वाला है शॉपिंग के लिए। तो अगर आप चोर बाजार जा रहे हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मिलने वाली काफी सारी ईयरफोन्स जो की होती है पुरानी, जो कि उनको मतलब एक तरह से ठीक करके अच्छे तरीके से दोबारा से सेल किया जाता है, और आपको बैट मिल जाते हैं जो कि इस तरीके से सामने स्क्रीन में आप देख रहे हो ये सारे रिन्यू बैट हैं, और आपको काफी सारी एसेसरीज और मिल जाती हैं जैसे कि हेडफोन ले लो, ईयरफोन ले लो, एंड जो ईयरपोड्स होते हैं ना वो आपको मिलती हैं, लेकिन देखो उनकी वारंटी तो होती नहीं है क्योंकि वो दुकान लेके तो बैठे नहीं है, आपको दे देंगे 1000-1200 रुपए में आराम से, लेकिन उनका कोई देखो प्रूफ नहीं होगा, आपका कोई भी कुछ नहीं होगा, ना ही कोई वारंटी होगी। आप लेकर आ जाओगे, मान लो एक दिन चल गई दूसरे दिन नहीं चली तो आप क्या करोगे, कोई आपका फायदा नहीं होगा, जो आपका पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। हालांकि आपको ईयरपोड्स एंड ईयरफोन्स मिल जाती हैं, जैसे कि देख रहे हो इस तरीके से आपको ईयरफोन्स मिल जाती हैं बहुत ही सस्ते सस्ते में, जो ब्लूटूथ वाली होती हैं वो 200 से 300, 400, 500 अपने हिसाब से आप बार्गेनिंग करके ले सकते हो। एंड जो ईयरपोड्स होती है ना उनको देखो सामने से मैं ये देख रहा हूँ ना ये सारी पुरानी वाली है जो कि ये आपको मिल जाती हैं 400-500 इतने इतने रुपए में। लेकिन अगर आप जैसे आईफोन की लेना चाहते हो तो मैंने काफी लोगों से वीडियो बनाने को बोला कि भाई वीडियो बनानी है इस तरीके से तो बंदे मना कर रहे थे, लेकिन अगर आप आईफोन की लेना चाहते हो तो आपको 500-600 रुपए में दे देते हैं, लेकिन जो बताते हैं वो 1000-1200 रुपए बताते हैं आपको कि इतने रुपए में है वो ओरिजिनल है ऐसे है वो से है, बाकी सब मतलब डुप्लीकेट ही होती है क्योंकि ओरिजिनल आईफोन की तो आपको मिल नहीं जाएगी। सो इस तरीके से ही आपको काफी सारी एक्सेसरीज मिलती है। सो अगर आप चोर बाजार मार्केट जाना चाहते हो स्मार्ट वॉच को लेने के लिए तो आपको काफी सारी वैरायटी की स्मार्ट वॉच मिल जाती है, हालांकि ये सब तुक्के की बात होती है क्योंकि जिस दिन मैं गया था वो काफी सारी यहाँ पर वॉच मिल गई थी मुझे देखने को। जैसे कि आप देखो इस तरीके से देखो काफी वैरायटी के आपको यहाँ पे वॉच मिलने वाली है जिनका स्टार्टिंग प्राइस भी बताते हैं ना, जैसे हम कोई सी वॉच ले रहे हैं और उसका प्राइस ऑनलाइन 600-700-1000-1500 इतने तक है, लेकिन जो इनका बताने का प्राइस होगा ना वो उनसे डबल ही होगा। तो मान लो जैसे 1000 रुपए की कोई हम वॉच देख रहे हैं और ऑनलाइन जो है वो 1000 की है, और यहाँ पर जो है आपको 2000 बताएंगे तब जाके आपको ये 500 तक तो देते नहीं है, 1000-1200 इतने तक की सेल करते हैं। जैसे कि इस तरीके ऑरेंज वाली देख रहे हो मतलब, तो ये वाली जो है वो 3000 रुपए बता रहे थे और काफी बढ़िया भी थी, लेकिन वही है ना वारंटी नहीं हो तो क्या फायदा है इन सब चीजों को लेकर, हालांकि एक दिन चल जाए और चलने का मतलब तो कभी सालों चल जाए और ना चले तो भाई एक दिन भी ना चले, कुछ नहीं पता होता इनका। 3000 रुपए इनका बता रहे थे और अपने हिसाब से अगर आप लेना चाहते हो तो इन सबको बार्गेनिंग करके ले सकते हो। बाकी बहुत ही मुश्किल से मैं वीडियो बना रहा था क्योंकि रिस्क लेके वीडियो बना रहा था, बाकी बहुत सारी वैरायटी की यहाँ पर और सारी वॉच थी जो कि इस तरीके देखो व्हाइट में भी है, ब्लैक में भी है, और सारी सारी अलग सीरीज की हैं। बाकी इस तरीके से देखो ये KD 300 का ईयरपोड है और इस तरीके से था ये, मतलब ना ही कोई इस पे वारंटी का कार्ड था जो कि मतलब इस पे पीछे साइड में लिखा होता है ना कि क्या है किस तरीके से क्या बैटरी बैकअप है सब कुछ लिखा होता है, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये जो है वो 1200 रुपए बता रहा था
और 1200 रुपए के हिसाब से तो भाई इससे बढ़िया हम वारंटी वाले नहीं लेंगे कहीं से बाहर सो अगर जाकर। आप चोर बाजार मार्केट जाना चाहते हो कपड़े खरीदने के लिए, जैसे क्लॉथ्स, अभी विंटर का टाइम चला है तो विंटर में यहाँ पे काफी सारी सेल लगी हुई थी कपड़ों में। कपड़ों में काफी सारे कलेक्शन अवेलेबल थे जो कि यहाँ पर देखो विंटर में इस तरीके से सामने से देख रहे हो 600 रुपए मिल रही है, 6 बजे 600 मिल रही है। तो जैसे कि आपने इस तरीके से देखो इसमें सुना मतलब वर्सिटी जो है वो सारी ओरिजिनल थी और काफी हैवी भी थी, बढ़िया थी, आपको 600 रुपए मिली थी। बाकी और भी काफी सारे तरीके क्लॉथ्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि मैंने बताया था ना आपको, जो चोर बाजार अगर आप जा रहे हो तो क्लॉथ्स तो आपको काफी सारे सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन जो आईफोन और फोन आपको एसेसरीज दिखाई जाती है, जो भी मोबाइल्स दिखाए जाते हैं, वो सब आपको पागल बनाया जाता है। और किस तरीके से पागल बनाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। बाकी अगर आप शूज वगैरह परचेज करना चाहते हो तो शूज भी आपको काफी सारी वैरायटी के मिल जाते हैं, बहुत सारे, काफी सारे देखो ओरिजिनल भी होते हैं एंड लोकल भी होते हैं, लेकिन आप क्राउड देखो भाई पब्लिक। और चोर बाजार में जितने भी सेल्समैन होते हैं वो सारे काफी ज्यादा बदतमीज होते हैं, मतलब अगर आपने कुछ सामान ले लिया उसका प्राइस लगा लिया और आपने नहीं लिया तो वो आपको जो है गाली गलौज करने लग जाएंगे। तो इसीलिए आपको मार्केट के अंदर जगह जगह पे पुलिस वाले मिल जाते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, आपको भी डंडे पड़ सकते हैं और जो सेल्समैन है ना उसके तो पड़ेंगे ही। सामने इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर देखो एक जो इंस्पेक्टर है पुलिस वाले, एक हवालदार हैं जो कि वो खड़े हुए हैं डंडे लेके, जो कि अपने मतलब कुछ भी बोला उल्टा सीधा या फिर कुछ भी बातचीत हुई, कुछ चोरी का सामान निकला तो आपके पड़ेंगे और उनके भी पड़ेंगे जो बेच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूबर्स इस टाइप की वीडियोस क्यों बनाते हैं। देखो तो कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे मैं हूँ या फिर और कोई भी हो, इस टाइप की वीडियो जब भी बनाएगा जब इस पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हालांकि मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं, लोगों को देखा है, मतलब उनके सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और व्यूज भी नहीं आते हैं। अगर वो उन्होंने चोर बाजार की वीडियो बनाकर डाल दी तो उन पर लाखों में व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो इस तरीके से उन्हें जो है वो मोटिवेशन मिल जाता है। मतलब जैसे मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आप अच्छे तरीके से समझना, 1 साल से मैं YouTube पे अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। एंड मेरा कोई फ्रेंड है यूट्यूबर है जो कि बोलता है भाई तू चोर बाजार की वीडियो बना सोहेल, तू वहां जा चोर बाजार की वीडियो बना और वहां पे जो तू ग्रोथ जरूर मिलेगी। तो मैं जैसे कि मान लो मुझे अच्छा लगा, मैं ट्राई करा मैंने जाकर और वो वीडियो मेरी चल गई। तो इस तरीके से जो है वो यूट्यूबर्स मजबूर हो जाते हैं कि चोर बाजार की वीडियो बनानी चाहिए, भाई अच्छी ग्रोथ मिल रही है। अब देखो कोई भी यूट्यूबर है वो काम जब भी करेगा जब उसको रिस्पांस मिलेगा, अच्छे तरीके से उसकी कमाई होगी, व्यूज आएंगे। देखो जैसे मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई देखो मुझे भी पैसा मिलना चाहिए। हालांकि मैं फालतू तो हूँ नहीं जो मैं मतलब वीडियो बनाता रहूंगा और ऐसी टाइम वेस्ट करता रहूंगा अपना। तो कोई भी यूट्यूबर जो है वो वीडियो इस तरीके से इसलिए बनाता है क्योंकि आप लोग जो है उस टाइप की वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो, देख रहे हो, उन लोगों को बोल रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि भाई इस टाइप की वीडियोस और लाओ। तो इसलिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सारे वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप उस तरीके की वीडियो नहीं देखोगे, उन लोगों से नहीं बोलोगे कि भाई इस टाइप की वीडियो बनाओ, तो वो नहीं जाएंगे। क्योंकि मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो कि यूट्यूब पे छो बजा की वीडियो इनकी चलती है, बाकी कोई सी वीडियो इनकी नहीं चलती है क्योंकि आपकी जो मतलब ऑडियंस है वो सारी छो बजा की है, छो बजा की वीडियोस वो देखना चाहती है। तो इसीलिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो छो बजा की वीडियो डालते रहते हैं चाहे वो फेक वीडियो क्यों ना हो। सो अब बात ये आ जाती है कि अगर छो बजा मार्केट में आईफोन या फिर किसी भी तरीके के फोन नहीं मिलते हैं तो यूट्यूबर्स किस तरीके से आपको फोन दिखाते हैं, फोन वो कहाँ से लाते हैं। कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। तो यूट्यूबर्स जो है वो उंगली टेढ़ी करते हैं, मतलब गलत तरीका आजमाते हैं। गलत तरीका किस तरीके से आजमाते हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ। मान लो हम 5 यूट्यूबर्स हैं, मेरे साथ 4 यूट्यूबर्स और हैं और मैं हूँ, तो हम 5 लोग जो है चोर बाजार की वीडियो शूट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चोर बाजार की वीडियो हम क्लियर करने जा रहे हैं, वहां पर हम पहुंच गए हैं और वहां पर जो है आईफोन नहीं मिलते हैं, हमें पता है और मेरे जो सारे यूट्यूबर्स हैं उनको भी पता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम 5 लोग गए हैं और 5 लोग के पास आजकल जो यूट्यूबर है भाई सबके पास एक एक फोन तो मैक्सिमम होता ही है, ठीक है, तो एक एक फोन हो गया। तो मान लो 4 लोग थे हम, 5 थे, तो 4 में एक तो फोन से रिकॉर्ड करेगा वीडियो, बाकी जो 4 होंगे वो एक बंदा जो है फोन लेके खड़ा हो जाएगा। देखो यूट्यूबर है तो ऑब्वियसली एक्टिंग करनी आती होगी और चोर बाजार में किस तरीके से बातचीत होती है वो सब वो जानते हैं क्योंकि वो जाते रहते रहते हैं, तो इसलिए वो सब जानते हैं। तो इस तरीके से एक बंदा फोन लेके खड़ा हो जाता है और ऐसी डील करता है कि भाई यह वीडियो बना रहा है तू पागल कर रहा है, लेना है तो ले, नहीं लेना तो नहीं कर, यह भाई वीडियो को बना रहा है इतने में दूंगा, चल ठीक है ले ले, मतलब इस तरीके से जो है आपको पागल बनाते हैं। तो ये सब जो है वो फेक होता है। तो मेरे भाइयों यही बोलना चाहूंगा भाई चोर बाजार की वीडियो पे कभी भी ट्रस्ट ना करो और जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं जो कि चोर बाजार की वीडियोस देखते हैं या फिर चोर बाजार जाने की सोच रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना क्योंकि आपको जो है वो बस बस पागल बनाया जाता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। एंड यूट्यूबर्स की भी देखो मजबूरी है जो कि मैंने आपको बता ही दी थी।
एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि चोर बाजार जाने वाले हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं, जाने का प्लान बना रहे हैं। एंड वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।